हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक ब्लाउज़ का डिज़ाइन। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाया है गले की साइड से, और नीचे की साइड हम 12 इंच पे लगा रहे हैं। अब एक यहाँ से बॉक्स तैयार करेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। तो ये हमारा स्केल पट्टी 1.5 इंच का होता है, आधा इंच आगे की साइड छोड़ देंगे। और यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगा के यहाँ से गुलाई लेंगे। तो ये गुलाई हमें इस निशान के अंदर ही लेनी है। अब हम यहाँ से एक 5 शेप देंगे। तो ये हमारे निशान लग के कम्प्लीट हो गए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, आप आसानी से इसे बना सकती हैं। अब हम ये बीच वाले पार्ट को लेंगे और इसमें अपनी गले की गहराई देंगे। जो हमारा गले का जो भी गहराई हो वो ले लें। यहाँ से हमने 9 इंच पर लिया है, यहाँ से हमने 9 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से भी हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और यहाँ से एक भी गला का शेप देंगे। तो यहाँ से हम एक भी गला बनाएंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे, इस वाले पार्ट को इस पर कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना बुकरम पेस्टिंग पेपर लेंगे और यहाँ से हम इस पर पत्तियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमें 3 पत्तियाँ निकालनी हैं। तो ऐसे निशान लगाते हुए आप पत्तियाँ तैयार कर लें। और इसको अब हम कपड़े पर रख के प्रेस की मदद से इसको चिपका लेंगे। तो सेम हम ऐसे ही 3 पत्तियाँ तैयार करेंगे और इसको बराबर से कट कर लेंगे। तो ये हमने प्रेस से चिपका के इसको कट कर लिया। तो ऐसे ही हमने 3 पत्तियाँ तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन पे। तो ये वह हमारी सीधी साइड है, मेन फैब्रिक को हम सीधी साइड से रखेंगे और सीधी साइड से ही हम अपना अस्तर वाला कपड़ा लगाएंगे। और इस पर सिलाई लगाते हुए इसको हमें पलटना है। यहाँ से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें बीच बीच में कट लगा लेंगे। हम सभी कोने पे कट लगाना है हमें। अब इसको नाखून से सेट करके इसको पलट लेना है। अब इसको हम फोल्ड करके अपना लेस अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम अपने लेस को इस पर लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजी तरीके से इस डिज़ाइन को आप तैयार कर सकती हैं। यह हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। अब इस प्रेस को हम कट कर लेंगे और इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से किनारे की साइड एक और सिलाई लगा के हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसकी किनारे की साइड सेम ऐसे ही पलट के हमने इस वाले पार्ट को भी, जैसे हम अस्तर वाले ब्लाउज़ को पलटते हैं, सेम वैसे ही कर लगा के हमने सिलाई इसको पलट के प्रेस लगा लिया है। ये देखिए, अब हम इसको इस पर सेट करेंगे। इसे अच्छी तरह से आप सेट कर लें, आप चाहें तो निशान भी लगा सकती हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए नोक की सिलाई लगाएंगे। एकदम किनारे पे हम नोक की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। हम सेम ऐसे ही पत्तियों पे भी लेस अटैच कर लेंगे। तो किनारे की नोक की साइड से हम लेस को लगाएंगे और इसको गोल राउंड करते हुए, लेस को खींचे नहीं, इसको आराम से इस पर सेट करते हुए चारों तरफ से हम इस पर लेस अटैच करके सेट कर लेंगे। और यहाँ से इसको कट करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से मशीन को उतार लेंगे। तो ये हमने एक पट्टी पे अपना लेस अटैच कर लिया है। सेम हम तीनों पट्टियों को ऐसे ही तैयार कर लेंगे।
अब हम इस पर सेट करेंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा के इसको भी अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी ऐसी ही इजी स्टेप के साथ कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, ये हमारे डिज़ाइन बनके कंप्लीट होता है। हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।